Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you doing today? I hope you will be in good health by the grace of God. Students, my name is Majid Imran and I'm your teacher of English. I welcome you to my YouTube channel Majid English Academy. And in today's video, I'm gonna teach you the first lesson of your English book 1, and its name is Button. So without wasting time, let's get started. So student, first year English ki jo book 1 hai uska naam hai short stories. जैसा कि आप जानते हैं कि बुक वन में 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो स्मार्ट सिलेबस में वो 9 हो गई हैं. तो अब हम पहली जो शॉर्ट स्टोरी है इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन बटन शॉर्ट स्टोरी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है. तो मैंने शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन लिखी है, देखिए. A short story is a piece of prose fiction that can be read in one sitting. Short story ये एक किस्म की prose fiction होती है. Fiction कहते हैं फर्जी कहानी को, तो बटन फर्जी कहानी है. Prose कहते हैं वो piece of writing, वो तहरीर जो poetry की शक्ल में ना हो, जिसमें simple language हो, जिसमें grammar का ख्याल रख के लिखा जाए. तो जो पोइट्री होती है वो प्रोज के उलट होती है. पोइट्री की हो सकता है कि लैंग्वेज सिंपल ना हो, बड़ी गहरी बातें की गई हों, उनको समझने के लिए वोकैबलरी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए इंसान के पास. मसलन अल्लामा इकबाल की शायरी, जॉन कीट्स की शायरी, जॉन डन की शायरी, इनको आम बंदा नहीं समझ सकता. वो फिगरेटिव लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, बड़ी गहरी बातें करते हैं. तो उसमें पोइट्री में लाजमी नहीं कि ग्रामर का ख्याल भी रखा जाए, लेकिन प्रोज में ग्रामर का ख्याल भी रखा जाता है और इसकी लैंग्वेज भी सिंपल होती है. शायरी की तरह कोई गहरी बातें नहीं की जाती. तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो प्रोज फिक्शन की एक किस्म है. तो प्रोज में ड्रामा भी आ सकता है, नावल भी आ सकता है, शॉर्ट स्टोरी भी आ सकती है, जो मैगजीन डाइजेस्ट और इवन के न्यूज़पेपर भी प्रोज में जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं वो शायरी में तो नहीं होती, तो वो सारी प्रोज है. तो शॉर्ट स्टोरी इज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग. शॉर्ट स्टोरी प्रोज फिक्शन की किस्म है जो एक ही सिटिंग में पढ़ी जा सकती है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा लेंथी नहीं होती, थोड़े टाइम में बंदा इसको फिनिश कर सकता है. इट इज़ शॉर्टर देन अ नावल एंड यूजली डील्स विद अ फ्यू करेक्टर्स. ये नावल की नस्बत काफ़ी शॉर्ट होती है, ये ज़्यादा लेंथी नहीं होती और इसमें चंद एक करदार होते हैं. जैसा कि कहानी बटन जो है इसमें सिर्फ 3 करदार हैं. इसमें शॉर्ट स्टोरी में करदारों की भरमार नहीं होती. आगे बढ़ते हैं जी. इट ऑलवेज गिव्स अ मॉरल और मैसेज. शॉर्ट स्टोरी का भी कोई ना कोई मॉरल या मैसेज होता है. शॉर्ट स्टोरी भी शायद फर्जी हो लेकिन कहानी लिखने का कोई मैसेज होता है, कोई मॉरल होता है. मसलन आप थर्स्टी को पढ़ी हुई है आपने, ग्रीडी डॉग पढ़ा हुआ है, यूनियन स्ट्रेंथ पढ़ी हुई है, ये सारी फर्जी कहानी थी लेकिन इनका कोई मॉरल तो है ना. यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन नंबर 1, बटन बाय रिचर्ड मैथसन. रिचर्ड मैथसन इसका राइटर है. ये जो बटन हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे इसके राइटर का नाम है रिचर्ड मैथसन. तो अब रिचर्ड मैथसन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये राइटर कहाँ का रहने वाला था और ये क्या लिखा करता था. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ये देखें, इस स्लाइड में मैंने रिचर्ड मैथसन की पिक्चर लगाई है. इन्होंने ये कहानी लिखी है और ये 1926 को पैदा हुए और 2013 में इनकी डेथ हो गई. तो ये अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी एंड स्क्रीन राइटर भी थे.
स्क्रीन राइटर कहते हैं वो राइटर जो फिल्मों और ड्रामों के लिए लिखे। तो इन्होंने फिल्मों और ड्रामों के लिए भी कहानियाँ लिखी हुई हैं। ये इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था रिचर्ड मैथसन का। अब नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है बटन बटन पार्ट वन। यहाँ पर पार्ट वन से मेरा फर्स्ट ईयर नहीं है बल्कि बटन बटन लेसन का पार्ट वन है, क्योंकि एक वीडियो में सारा लेक्चर कवर करना मुश्किल है और टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने लेसन के थ्री पार्ट्स बनाए हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि कॉलेजेस में आपके जो टीचर्स हजरात हैं वो एक लेसन एक दिन में तो ख़त्म नहीं होता, तो 2 4 दिन लगते ही हैं। तो इसलिए मैंने भी इसके तीन पार्ट्स बनाए हैं। तो इसको पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे, ये मैंने नीचे हेडिंग्स लिखी हुई हैं कि पार्ट वन में हम ये इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फिक्शन होती क्या है। करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इस शॉर्ट स्टोरी में कितने करेक्टर हैं, उनके उनका मुख्तसर सा उनका जायज़ा लिया जाएगा कि वो किस नेचर के थे, किस तरह के थे। फिर उर्दू में डिटेल्ड समरी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और चौथा पॉइंट है थीम और मॉरल लेसन, कि इस कहानी का थीम और मॉरल लेसन क्या है। तो अब पार्ट वन में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब फिक्शन के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम फिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो लेसन है बटन बटन, ये एक साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन से पहले हम फिक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फिक्शन किसको कहते हैं। फिक्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल। वो कहानी जो फर्जी या ख्याली, इमेजिनरी कहते हैं फर्जी ख्याली तखयलाती, वो कहानी जो फर्जी वाकयात इवेंट्स वाकयात कहते हैं पीपल और लोगों को जो करेक्टर होते हैं उस कहानी में, वो कहानी जो फर्जी वाकयात और फर्जी किरदारों को बयान करती हो उसको फिक्शन कहते हैं। अब ये जो कहानी बटन बटन है ये भी फिक्शन है, क्योंकि ये फर्जी कहानी है और इसमें कुछ जो डिवाइस है बटन दबाने वाली, वो टेक्नोलॉजी वो भी फर्जी है कि बटन दबाने से दुनिया में कहीं कोई शख्स मर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये फर्जी चीज़ है। और उसके जो दो करेक्टर हैं, दो तीन तीन करेक्टर, नॉर्मा आर्थर और स्टीवर्ड, वो भी फर्जी किरदार हैं। ऐसे किरदार दुनिया में नहीं आए थे, ये बस राइटर की अपनी इन्वेंशन कह लें। तो अब फिक्शन एक स्पेकुलेटिव फिक्शन होती है और एक नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन होती है। स्पेकुलेटिव फिक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, स्टोरीज ऑफ अनरियल वर्ल्ड एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, गैर हकीकी दुनिया की कहानी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल सुपरमैन, स्पाइडरमैन एट्सेट्रा। यानी कि कहानियों में सुपरमैन दिखाया जाए, स्पाइडरमैन दिखाया जाए, टार्जन दिखाया जाए, जिन चुड़ैले दियो परियां, ये सारी कहानियां स्पेकुलेटिव फिक्शन होती हैं। तो दूसरा है नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन, स्टोरीज फ्रॉम रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया की कहानियां। फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्टोरी बटन बटन, जैसा कि शॉर्ट स्टोरी बटन बटन एक नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन है। ये यानी कि इसमें रियल वर्ल्ड की कहानी है, इसमें ना जिन है, ना परियां है, ना टार्जन है, ना सुपरमैन है, ना स्पाइडरमैन है, हमारी तरह के जीते जागते इंसान हैं। तो हमारे सिलेबस में जितने भी 15 की 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं बुक वन में, वो नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन है, क्योंकि उनमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स नहीं हैं। अब टाइप्स ऑफ फिक्शन, वैसे टाइप ऑफ फिक्शन काफ़ी हैं, लेकिन मैंने जो मेन मेन है वो डिस्कस की है। एक होती है फिक्शन की टाइप फैंटसी। फैंटसी के ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ, आउटसाइड ऑफ रियलिटी, वो चीज़ें या वो वाकयात या वो किरदार जो हकीकी दुनिया से बाहर के हों, फेरीज परियां जिन भूत मॉन्स्टर बलाएं देव मैजिक जादुई कहानियां, इम्पॉसिबल इवन, और उसमें नामुमकिन वाकयात बताए गए हों जो हकीकी ज़िंदगी में पॉसिबल ना हो। अब फिक्शन की एक टाइप होती है साइंस फिक्शन,
साइंस फिक्शन का ब्रैकेट में लिखा हुआ बेस्ड ऑन इमेजिन फ्यूचर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जिसमें टेक्नोलॉजी के मतलब बताया गया हो कि इंसान ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है, साइंसी तौर पर इंसान इतना मजबूत हो चुका है, इतनी तरक्की कर ली है, और इंसान के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाए कि आने वाले सालों में इंसान ये चीज़ें ईजाद कर सकता है। मसलन इस लेसन में वो जो बटन यूनिट है, इस तरह की इन्वेंशन नहीं है हकीकी दुनिया में, लेकिन वो साइंसी तौर पर एक डिवाइस दिखाई गई है कि बटन दबाने से दुनिया में कहीं कोई शख्स मर जाएगा, तो इसलिए इसको साइंस फिक्शन कहा गया उस टेक्नोलॉजी और उस डिवाइस की वजह से जो इस स्टोरी में यूज़ हुई है। अब फिक्शन की किस्म हॉरर भी है, हॉरर वो जो आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं जोम्बीज वाली, और उसमें जिन चुड़ैले वगैरह देव दिखाए जाते हैं जिसको देख के इंसान डर जाता है, मसलन बड़ी मशहूर मूवी है एवल डेड, ठीक है जी, रॉन्ग टर्न के कितने पार्ट हैं, वो सारी इस तरह के करैक्टर हमारी दुनिया में नहीं है। तो इस तरह के जो करैक्टर, इस तरह की जो स्टोरी होती है उसको हॉरर कहते हैं। अब एंड पर मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, बटन बटन इज़ अ साइंस फिक्शन, बटन बटन एक साइंस फिक्शन है क्योंकि उस डिवाइस वजह से, बटन बटन यूनिट की वजह से। वैसे इसमें थोड़ा सा टच फैंटसी का भी है, कैसे बोला, इम्पॉसिबल इवेंट, इसमें एक इम्पॉसिबल इवेंट दिखाया गया, वो बटन यूनिट पॉसिबल ही नहीं है कि घर बैठे बटन दबाने से हज़ारों मील दूर कोई बंदा मर जाए, तो इसमें थोड़ा सा फैंटसी का भी टच है और हॉरर का भी टच है कि बटन दबाने से एक बंदा मर जाएगा, इसमें थोड़ा सी हॉरर की फीलिंग है। लेकिन ओवरऑल इसका जो है ये किस तरह की कहानी है वो साइंस फिक्शन ही है, बटन बटन इज़ अ साइंस फिक्शन, इसमें थोड़ा सा फैंटसी और हॉरर का टच पाया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्टोरी के करैक्टर डिस्कस करते हैं। पहला करैक्टर है नॉर्मा, पहला पॉइंट है शी इज द सेंट्रल करैक्टर इन द स्टोरी, कहानी में ये मरकजी किरदार है, शुरू से लेकर एंड तक कहानी इसी के गिर्द घूमती है। दूसरा पॉइंट है शी इज अ वर्किंग लेडी, वो वर्किंग लेडी है यानी वो जॉब करती है। तीसरा पॉइंट है शी इज अ ग्रीडी वुमेन एंड इज ब्लाइंडेड बाय हर ग्रीड फॉर मनी, वो एक लालची औरत है और दौलत की हवस में वो अंधी हुई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो अपनी जिंदगी के मेयार से मुतमिन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट शी वांट्स मनी बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक ईडियम है, ये सेकंड ईयर में आ भी सकता है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है जायज़ो न जायज़ तरीके से। शी वांट्स मनी बाय हुक और बाय क्रूक, वो जायज़ो न जायज़ तरीके से पैसा चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट हर नेचर शोज दैट शी कैन किल एनी बॉडी फॉर द सेक ऑफ मनी, उसकी नेचर उसकी फितरत जाहिर करती है कि वो पैसे की खातिर किसी का भी कत्ल कर सकती है। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है की खातर। लास्ट पॉइंट शी इज़ अ कम्प्लीट कंट्रास्ट टू हर हस्बैंड, वो अपने खामद का बिल्कुल उलट है, कम्प्लीट कंट्रास्ट बिल्कुल उलट, उसका खामद एक शरीफ़ नफ्स ईमानदार और अच्छी नेचर का बंदा है और ये उसके बिल्कुल उल्ट है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले करेक्टर की तरफ। आर्थर लीवस, ही इज़ नॉर्मा हस्बैंड, वो नॉर्मा का खामद है, ही इज़ वाइस गुड नेचर्ड एंड काइंड हार्टेड मैन, वो अकलमंद अच्छी फितरत का और नरम दिल इंसान है। ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड केयरिंग पर्सन, वो एक ईमानदार और ख्याल रखने वाला शख्स है, वो अपनी बेगम का ख्याल रखता है लेकिन बेगम उसकी मानती नहीं है कि बस रातों रात अमीर होना है। ही सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ स्टाइल, वो अपनी ज़िंदगी के मेयार से मुतमिन है कि जितना अल्लाह दे रहा उतना ही शुक्र है। ही थिंक्स इट इमोरल टू किल समवन फॉर द सेक ऑफ मनी, वो पैसे की खातिर किसी को मारना इमोरल समझता है। इमोरल कहते हैं गैर अखलाकी काम, गैर अखलाकी हरकत या बुरा काम। ही ट्राइज हार्ड टू स्टॉप नॉर्मा फ्रॉम पुशिंग द बटन, वो नॉर्मा को बटन दबाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। इन हिज एब्सेंस हिज वाइफ पुशेस द बटन, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी बटन दबा देती है, एंड ही डाइज इन एन एक्सीडेंट, और एक हादसे में मर जाता है। लास्ट पॉइंट ही फॉल्स अ प्रे टू हिज वाइफ ग्रीड एंड फुलिशनेस, फॉल्स अ प्रे का मतलब होता है शिकार होना, ये भी एडियम है, सेकंड ईयर में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दो नंबर का।
ही फॉल्स अ प्रे, वो शिकार हो जाता है टू हिज वाइफ्स ग्रीड एंड फुलिशनेस, अपनी बीवी के लालच और बेवकूफ़ी का, फुलिशनेस कहते हैं बेवकूफ़ी को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट करेक्टर इस लेसन का, मिसेस स्टीवर्ट। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन अननोन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक अनजान सी कंपनी का नुमाइंदा है, पता नहीं कहाँ से आया है। वो पूछते हैं भैया किस कंपनी से आए हो, लेकिन कहता है कि इस बात को छोड़े। ही इज़ अ मिस्टीरियस मैन, वो एक पुरसरार किस्म का शख्स है, उसका हुलिया भी पुरसरार है, बातें भी पुरसरार है, और वो जो पार्सल लेकर आया जिसके अंदर बटन यूनिट है वो भी बड़ा पुरसरार है। ही ऑफर्स एंड इंट्रोड्यूसेस एडवाइस टू द कपल, वो जोड़े को यानी कि मियाँ बीवी को एक एडवाइस पेश करता है और उसका तारफ कराता है उस डिवाइस का। डैट इफ दे पुश द बटन, कि अगर वो बटन दबा दें, समवेयर इन द वर्ल्ड अ पर्सन होम दे डोंट नो विल डाई, दुनिया में कहीं कोई शख्स जिसको वो नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। इन रिटर्न दे विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, और इसके बदले में उनको $50,000 की पेमेंट मिलेगी। इन रिटर्न का मतलब होता है बदले के तौर पर। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसमें लेसन की समरी जो है वो उर्दू में बयान की जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लेसन की समरी की तरफ बढ़ते हैं। समरी के मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, ये कहानी मियाँ बीबी की कहानी है। हस्बैंड का नाम आर्थर है, ब्रैकेट में लिखा है, वाइफ का नाम नॉर्मा, ब्रैकेट में लिखा है। दोनों के बारे में हम पिछली स्लाइड्स में दोनों के करेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है, द कपल रिसीव अ पार्सल कंटेनिंग अ बटन यूनिट, दोनों मियाँ बीबी को एक पार्सल रिसीव होता है। ये देखिए ब्लू कलर का पार्सल मैंने पिक्चर पे लगाया, कंटेनिंग अ बटन यूनिट, जो एक बटन यूनिट पर मुश्तमिल होता है, यानी कि इसके अंदर एक बटन यूनिट होता है। ये देखें वेरी राइट साइड पे ऊपर की तरफ, ये जब पार्सल खोला गया ब्लू कलर का, उसके अंदर से ये लकड़ी का डब्बा सा बटन यूनिट निकला। तो ये बटन यूनिट की होल चाबी लगाने वाली जगह की आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर ग्लास डोम, वो शीशे का कवर सा ऊपर लगा हुआ है। चाबी घमाने से वो अनलॉक हो जाना था, और फिर वो जो ग्लास डोम है शीशे का, जो ऊपर मेहराबी सा गुंबद नुमा कवर है, वो उठ जाना था, फिर उसके बाद वो बटन दबा सकता है कोई बंदा। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द पार्सल एंड इट सेज मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। ये जो ब्लू कलर का पार्सल है, इसके बॉटम यानी कि पैंदे, इसके नीचे एक पीस ऑफ पेपर होता है, तयशुदा कागज़ का टुकड़ा। वो आपको वुडन बॉक्स बटन यूनिट के साथ वो कागज़ नज़र भी आ रहा होगा पिक्चर में, वो इस ब्लू पार्सल के नीचे स्कॉच टेप्ड होता है, यानी कि टेप के साथ जुड़ा गया। स्कॉच टेप कहते हैं ट्रांसपेरेंट टेप, जिसको उर्दू में शीशा टेप कहते हैं, इसके भी पिक्चर मैंने लगाई है। इट सेज का मतलब उस पर लिखा क्या होता है, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट रात 8 बजे आपसे मिलने आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर स्टीवर्ट अराइव्स एट देयर होम एंड ऑफर्स अ डील फॉर $50,000। मिस्टर स्टीवर्ट उनके घर पहुंचता है और $50,000 की पेशकश करता है। अराइव्स का मतलब पहुंचना। द डील इज इफ दे पुश द बटन समवन दे डोंट नो विल डाई एंड इन रिटर्न दे विल रिसीव अ रिवॉर्ड ऑफ $50,000। डील ये है कि अगर वो बटन दबा दें तो दुनिया में कोई शख्स जिसको वो नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा, और उसके बदले में $50,000 का रिवार्ड यानी इनाम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मा सीज इट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी टू फुलफिल हर ड्रीम्स। नॉर्मा इस ऑफर को एक मौका समझती है कि इससे मैं अपने ड्रीम्स, अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब फुलफिल पूरे करूँगी। यानी वो चाहती है कि मेरा जजीरे पर घर हो, हमारे पास कार हो, हमारे पास कीमती फर्नीचर हो, कीमती कपड़े हो, मेरे पास ज्वेलरी हो। ऑन द अदर हैंड आर्थर थिंक्स इट इमोरल एंड अ मर्डर। दूसरी तरफ आर्थर इस पेशकश को गैर अखलाकी और एक कत्ल समझता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कपल डिबेट फॉर अ फ्यू डेज ऑन दिस ऑफर। दोनों मियाँ बीवी इस ऑफर पर कुछ दिन बहस करते हैं, डिबेट, बहस करना। आर्थर ने क्या बहस करनी है, वो तो शरीफ सा शख्स है। नॉर्मा ही उसके पीछे पड़ जाती है कि हमें इस ऑफर पर गौर करना चाहिए और इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, लेकिन उसका खामद बड़े प्यार से, बड़ा पोलाइटली उसको इनकार करता है। लेकिन जब वो नहीं हटती तो फिर वो
आंखें भी दिखाता है, अपनी नाराज़गी भी शो करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं हटती। नॉर्मा ट्राइज हर बेस्ट टू कन्विंस हर हस्बैंड अबाउट पुशिंग द बटन। नॉर्मा अपने खामन को बटन दबाने पर कायल करने की पूरी कोशिश करती है, कन्विंस का मतलब कायल करना। बट आर्थर रिफ्यूज टू डू थो, लेकिन आर्थर इस काम को करने से इनकार कर देता है। नॉर्मा बहुत कोशिश करती है। जब स्टीवर्ट चला जाता है तो वो कहती है कि मुझे तो इस पेशकश में बड़ा तजस्स और इंटरेस्ट सा पैदा हो गया। आर्थर कहते हैं, क्या तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट या तजस्स पैदा नहीं हो रहा? वो कहता है, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे ख्याल में तो ये बड़ी गैर अखलाकी और बड़ी उसने अजीब किस्म की बात की है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो कहती, बहरहाल मुझे तो बहुत तजस्स है। उसका हस्बैंड वॉशरूम में चला जाता है दांतों में ब्रश करने के लिए, वो पीछे ही आ जाती है। वो फिर उसको कहती है कि डजंट इट इंट्रीग यू, क्या तुम्हें इस ऑफर से बिल्कुल भी तजस्स नहीं है? वो शीशे में से उसको आंखें दिखाता है, घूर कर देखता है, रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है ना शीशे में, नॉर्मा पीछे खड़ी है, तो घूरी डाल कर देखता है, लेकिन वो फिर भी नहीं बाज आती। फिर कहती, डजंट इट इंट्रीग यू? तो फिर वो उसको कहती है कि हो सकता है कोई पागल करोड़पति पैसे लुटा रहा है, वो लोगों के साथ मजाक मजाक कर रहा है, शायद बंदा कोई ना मरे लेकिन हम खेल खेल में हमें पैसे मिल जाएं, या कोई नफसियाती तहकीक कर रहा हो कि लोग इस तरह की ऑफर के बारे में क्या रद्द अमल ज़ाहर करते हैं, इस तरह की और भी बातें करती है। लेकिन आर्थर उसको ना कर देता है कि नहीं, इस बारे में मत सोचो, लेकिन नहीं हटती। रात को सोते वक्त फिर बात करना चाहती है इस मौजू पर। आर्थर उसको कहता है कि लाइट ऑफ करो और गुड नाइट। आर्थर तो सो जाता है, लेकिन वो सोते हुए बंद आंखों के सामने लहराते हुए नोट देखती है। फिर सुबह ममूल से 1 घंटा पहले उठ जाती है और अच्छा सा नाश्ता कई किस्म के लवाजमात के साथ टेबल पर सजा देती है। आर्थर जब नाश्ते के टेबल पर आता है तो बड़ा हैरान होता है, कहना व्हाट्स ओकेजन, आज क्या मौका है, कोई खास दिन है, कोई क्रिसमस है, ईस्टर है, या कोई बर्थडे है, या कोई एनिवर्सरी है, ये इतना इहतमाम किया हुआ है? कहते, बस मेरा दिल कर रहा था तो मैंने बना दिया। आर्थर कहता, अच्छा। अब वो फिर उस मौजू की तरफ आ जाती है। आर्थर थोड़ा सा चुकन्ना हो जाता है, केयरफुल सा हो जाता है, थोड़ा सा पीछे हटने लगता है कि ये बात वो ना ही करे, लेकिन फिर करना शुरू कर देती है और उसको कन्विंस करती है, देखो मैं ये खुदगर्जी नहीं है, तुम शायद मुझे खुदगर्ज समझ रहे हो, मैं तो हम दोनों के लिए सोच रही हूँ, मैं अकेला अपने लिए नहीं सोच रही। देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना अच्छा घर है, ना अच्छी गाड़ी है, ना कीमती फर्नीचर है, ना हम कीमती कपड़े पहनते हैं। तो आर्थर कहता है, हम ये सब चीज़ें लेंगे। कहती, कब? आर्थर बड़ी उदासी से उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसका दास चेहरा देखकर भी उसको तरस नहीं आता। फिर तंज करती है, कब, व्हेन? तो आर्थर बेचारा चला जाता है, डर भी जाता है अंदर से कि वाकई मेरी बीवी ये काम करने जा रही है। और फिर वो कहता है कि मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझसे इस मौजू पर मज़ीद बात ना करना। लेकिन वो उसकी गैर मौजूदगी में बटन दबा देती है, और बटन दबाने के थोड़ी देर बाद उसको एक हॉस्पिटल से कॉल आती है। हॉस्पिटल का नेम है लिनिक्स हिल हॉस्पिटल। कॉल करने वाला कहता है कि आप मिसिस आर्थर लीवस हैं? कहती, जी मैं हूँ। कहती, वो कॉल करने वाला कहता है कि आपके खावंद का रेलवे हादसे में उनकी डेथ हो गई है, हॉस्पिटल में डेड बॉडी आके रिसीव कर ली, इस तरह की कॉल की होगी। तो वो शॉक्ड हो जाती है। नहीं, उसके हाथ से रिसीवर गिर जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, जिस्म में जान नहीं रहती। फिर वो जो बटन यूनिट का बटन प्रेस करने के बाद उसने उसको वेस्ट बास्केट में फेंका होता है, रद्दी की टोकरी में, वहाँ से उसको उठाती है और पागलों जुनूनी अंदाज से उसको वॉश बेसन के किनारे पर मार मार कर तोड़ती है कि ये कौन सी बलाज जिसने मेरे खामद को ही मार दिया है। वो लकड़ी को ज़ोर ज़ोर से वॉश बेसन पर मारती है, वो लकड़ी टूट जाती है, इसकी उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं, लेकिन अंदर से कोई ट्यूब, कोई तार या कोई ट्रांजिस्टर कुछ भी नहीं होता।
वो हैरान होती है ये कौन सी डिवाइस है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे जोड़ा गया, इसके ऊपर कील भी नहीं है, पेच भी नहीं है, इसके अंदर ना कोई ट्यूब है, ना तार है, ना ट्रांजिस्टर है। एनी हाउ वो फिर स्टीवर्ड का नंबर डायल कर देती है और बड़े गुस्से से चीखते हुए कहती है कि तुम तो कहते थे कि जो मरेगा मैं उसको जानती नहीं होंगी। तो वो आगे से जवाब देता है, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या तुम वाकई समझती हो कि तुम अपने खामद को जानती थी। ये आखिरी लाइन है लेसन की। इस लाइन में दरअसल मिस्टर स्टीवन ने तंज की है कि क्या तुम वाकई समझती हो कि तुम अपने खामद को जानती थी। इनके ऑफर में ये था कि जो मरेगा मैं उसको जानती नहीं होंगी, तो वो तंज करके कहता है कि तुम तो अपने खामद को जानती नहीं थी, तुम तो वो तुम्हें रोकता रहा, वो तुम्हें मना करता रहा, वो कितना शरीफ और कितना अच्छा इंसान था, नेक सीरत इंसान था, तुम्हारी तो उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, तुम तो उसको समझती नहीं थी, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उसको जानती थी। तो इसके साथ लेसन ख़त्म हो जाता है, लेकिन आखिरी पॉइंट रहता है, एट लास्ट नॉर्मा इन आर्थर एब्सेंस पुशेस द बटन। आखिरकार नॉर्मा आर्थर की गैर हाजिरी में बटन दबा देती है, एंड ही डाइज इन अ ट्रेन एक्सीडेंट एज अ रिजल्ट, और वो नतीजे के तौर पर ट्रेन हादसे में मर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने चार पिक्चर्स लगाई हैं, दो तो पीछे वाली स्लाइड्स में भी आ चुकी हैं। ये ब्लू कलर का पार्सल है, इस पार्सल को खोला गया तो ये बटन यूनिट निकला। फिर 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ड उनके घर आता है, तीसरी पिक्चर में वो आके उनको समझाता है, डील ऑफर करता है कि बटन दबाने से आपको $50,000 मिलेंगे। और ये लास्ट पिक्चर में नॉर्मा आर्थर की गैर मौजूदगी में आखिरकार बटन दबा ही देती है और अपने खामंद को अपने हाथों से मार देती है। अब लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं लेसन की। इसमें मैंने थीम और मॉरल लेसन डिस्कस किए हैं। थीम और मॉरल लेसन में थोड़ा सा डिफरेंस है। थीम कहते हैं मरकजी ख्याल या मौजू, किस मौजू पर ये कहानी लिखी गई है। मसलन कोई कहानी लिखी गई है लव स्टोरी पे, उसमें थीम ऑफ लव भी हो सकता है, थीम ऑफ रिवेंज भी हो सकता है। मसलन कोई विलन है, वो लड़की को मार देता है हीरोइन को, तो जो हीरो है वो अपना रिवेंज लेता है, ठीक है जी। थीम ऑफ जेलसी भी हो सकता है, विलन जेलसी की वजह से हीरोइन को मार देता है कि ये मुझसे क्यों नहीं लव करती, तो हीरो उसको मार देता है। यानी कि एक स्टोरी में कई थीम हो सकते हैं, मतलब लव स्टोरी है कोई, उसमें थीम ऑफ लव हो सकता है, थीम ऑफ रिवेंज हो सकता है, थीम ऑफ जेलसी हो सकता है। और उनका मॉरल क्या होता है, मसलन लव स्टोरी है तो उसका मॉरल क्या होगा कि लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, तो यानी कि मोहब्बत अंधी होती है, या और भी कोई मॉरल हो सकता है कहानी की सिचुएशन के मुताबिक। तो अब इसके मुख्तलिफ मॉरल मैंने लिखे हैं। इस कहानी का मॉरल है, एक तो ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। नंबर 2, वी शुड नेवर बी मटीरियलिस्टिक, हमें मादा प्रस्त कभी भी नहीं होना चाहिए। मादा प्रस्त कहते हैं दुनिया की हवस करना, दुनिया की दौलत की हवस करना, मेरे पास जायदाद हो, मेरा बड़ा बैंक बैलेंस हो, मेरे कोठियाँ बंगले कीमती गाड़ियाँ हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, इंसानी ज़िंदगी दौलत से ज़्यादा कीमती है। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड बी कंटेंटेड एंड कंट्रोल आवर डिज़ायर, कंटेंटेड कहते हैं सेटिस्फाइड, मुतमिन होना, हमें मुतमिन होना चाहिए और अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना चाहिए कि अगर हमारी डिज़ायर तक पहुंच नहीं है जो हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, तो हमें कोई गलत काम करके वो अपनी डिज़ायर अचीव नहीं करनी चाहिए और अपनी अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लिसन टू द पीपल हु लव यू, उन लोगों की बात सुनो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। मसलन आर्थर अपनी बीवी की केयर करता था, प्यार करता था, उसकी बात तो सुन लो कि वो कितना तुम्हें समझाता रहा है। लास्ट पॉइंट या लास्ट मॉरल या लास्ट थीम, डोंट लेट मनी गेट द बेस्ट ऑफ यू, पैसे को इजाजत ना दो कि वो आपकी बेस्ट बेहतरीन चीज ही आपसे गेट यानी कि छीन ले। यानी कि पैसे को अपने ऊपर इतना सवार मत करो
कि वो आपकी बेहतरीन चीज़ ही आपसे छीन ले। नॉर्मा की बेस्ट चीज़ क्या थी ज़िंदगी में? उसका लाइफ पार्टनर, लेकिन पैसे के लालच में उसने वही अपनी चीज़ गंवा दी। तो स्टूडेंट, आज का लेसन ख़त्म हुआ, पार्ट वन। अब पार्ट टू में, इस लेसन के पार्ट टू में हम लेसन के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन के हवाले से वो करेंगे और साथ इम्पोर्टेंट वर्ड्स सिनोनिम्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड बाय बाय।